ना कोई मेरे लिए है ना मैं किसी के लिए, ना कोई मेरे लिए है ना मैं किसी के लिए, ये मेरा जागना सोना है सब नबी के लिए। और मैं आंसुओं से वजू करके शेर कहता हूँ, मैं आंसुओं से वजू करके शेर कहता हूँ, गमे हुसैन जरूरी है शायरी के लिए। आइए मैं आवाज दे रहा हूँ जिनका लबो लहजा और शायराना सलाहियत अपना मकाम और अपनी मिसाल अलग और खुद रखती है। मैं आवाज दे रहा हूँ मौलाना जावेद साहिल साहिब को कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से नाते नबी और जिक्र रसूल से इस महफिल को सरशार फरमाए। जनाब जावेद साहिल माइक पर। मोहतरम हजरात, डाइस पर बैठे हुए उलमा इकराम, खुसूसन जनाब हजरत मौलाना हबीब साहब का बरकातहू, और उसके अलावा जनाब सईद हर्फ साहब और अली जनाब वसीकुर रहमान सफत साहब, और मैं इतनी देर से देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी ही निजामत, नाम से तो मैं नहीं मानता हूँ लेकिन बहुत अच्छी निजामत जैसी होनी चाहिए वैसी चल रही है। बहरहाल सबकी दुआएं चाहता हूँ और आप सभी हजरात की भी मोहब्बतें, पहली मरतबा आपके दरबार में हाजिरी हुई। बस आप शेर सुन लें इसलिए कि लगातार प्रोग्राम चलते हैं, आवाज थोड़ी सी कहीं ना कहीं मुश्किल है। आप जी यथा की साहिल भाई अकेला पढ़ता हूँ जी नायन समाज फरमाए। जो भी नबी के दिल पे कुर्बान हो गया, कुर्बान हो गया, जो भी नबी के दिल पे कुर्बान हो गया, कुर्बान हो गया, जो भी नबी के दिल पे कुर्बान हो गया, जो भी नबी के दिल पे कुर्बान हो गया, जन्नत में उसके जाने का, जन्नत में उसके जाने का सामान हो गया। सुभान अल्लाह क्या कि जन्नत में उसके जाने का सामान हो गया, सामान हो गया। क्या कहने साहिल भाई बहुत कि भटका हुआ था किशोर जलालत में दिल में गए, भटका हुआ था किशोर जलालत में दिल में गए, भटका हुआ था किशोर, भटका हुआ था किशोर जलालत में दिल में गए, भटका हुआ था किशोर दिल मगरे, कलमा नबी का पढ़ के मुसलमान हो गया, कलमा नबी का बहुत अच्छे सुभान अल्लाह, कलमा नबी का पढ़ के मुसलमान हो गया, मुसलमान हो गया। और ये बतौर खास इंशाल्लाह इस शेर पे कोई भी शख्स खामोश नहीं होगा, हमारे दोस्त सज्जाद साहब और इस डाइस के ऐसे भी शोरा इकराम जो बड़ी दूर दराज से तशरीफ लाए, जनाब कारी कमरुल इस्लाम साहब, इनके हवाले से शेर हाजिर करता हूँ। मौलाना फरमा जी अदा कीजिए भाई, अदा कीजिए साहिल भाई। कि करने लगा वो जब से सहाबा की पैरवी, जी अदा कीजिए भाई, सहाबा की पैरवी करने लगा हो जब जब से सहाबा की पैरवी, करने लगा हो जब से सहाबा की पैरवी, करने लगा हो जब से, करने लगा हो जब से सहाबा की पैरवी, हर मरहला
हर मर भला गया तो आसान हो गया। बहुत अच्छे, हर मर भला गया तो आसान हो गया, आसान हो गया। और ये भी बतौर खास आप सभी हजरात की दुआएं चाहता हूँ जी। इनायत भाई, इनायत साहिल भाई, बहुत देखिएगा हजरात जी, अता कीजिए मक्ता भी दुआओं के साथ सुना फरमा ले। इनायत भाई की इज्जत भी और दौलत शोहरत भी मिल गई, की इज्जत भी और दौलत शोहरत भी मिल गई, इज्जत भी और दौलत शोहरत भी मिल गई, इज्जत भी और दौलत शोहरत भी मिल गई। जावेद जब से माँ का कदर धान हो गया, जावेद जब से माँ का कदर धान हो गया। और जी इनायत, इनायत बहुत जगह लेता हूँ जी, अता कीजिए भाई साहिल साहब, बहुत खूब, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। मौलाना फरमाए दुआओं के साथ एक मिनट तो सुभान अल्लाह कह दे ताकि मेरा भी हौसला बढ़ जाए। माशाल्लाह, थोड़ा साहिल भाई माइक से थोड़ा फासला बना के रखिए, आवाज में और रस पैदा हो जाएगा जी। जी मैं पढ़ता हूँ कि लगते हैं काम को सीने में बसाना होगा, रखते है काम को सीने में बसाना होगा, कि रखते है काम, रखते है काम को सीने में बसाना होगा। अपना दिल सुन्नत नबवी से सजाना होगा, अपना दिल सुन्नत नबवी से सजाना होगा। और ये बतौर खास मलाल फरमा ले कि शान में जिसे लिख सरकार के गुस्ताखी की, देखिएगा बतौर खास लाजिम साहब जी हुजूर, किसान में है जिसे निध सरकार के गुस्ताखी की, किसान में जिसे सरकार के गुस्ताखी की, ऐसे बदबात को फांसी पे चढ़ाना होगा, कि ऐसे बदबात को फांसी पे चढ़ाना होगा। और यूपी मुलाजा फरमा ले कहने जी अता की जिंदगी जिसे लिप सुन्नत पे गुजारी होगी, कि जिंदगी जिसे लिप सुन्नत पे गुजारी होगी, कि जिंदगी जिसे सुन्नत पे गुजारी होगी, रब का फरमान है जन्नत में ठिकाना होगा, क्या कहे रब का फरमान है जन्नत में ठिकाना होगा। और जी अता कीजिए, अता कीजिए साहिल भाई कि कम है दादा तुम जावे तुझ कहते रहे, कि कम है दादा तुम जावे तुझ कहते रहे, कि कम है दादा, कम है दादा तुम जावे तुझ कहते रहे, सौ तेरा की तारीख
बताना होगा तीन सौ तेरा तारीख बताना होगा। बहुत अच्छे।